शॉर्ट फिल्म है तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि फिल्म थोड़ी छोटी ड्यूरेशन की होगी, इट इज़ अ शॉर्ट फिल्म। सो शॉर्ट फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपको एक पूरी कहानी कम समय में ऑडियंस को दिखानी होती है, तो काफ़ी चैलेंजिंग होता है उसमें। आपको सीन्स या स्क्रीन प्ले कुछ इस तरह से लिखने पड़ते हैं कि उतने कम समय में आप ऑडियंस को एक पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस दे सकें। तो ये मेरी पहली शॉर्ट फिल्म है एक्चुअली, और जिस वजह से मैंने ये इस फिल्म के लिए हाँ किया वो ये है कि इसका जो एंड है, जो क्लाइमैक्स है इस फिल्म का, वो बहुत ज़्यादा, वो काफ़ी शॉकिंग है एक्चुअली। तो मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ कि वो क्या होता है, बट ऑल आई कैन से इज़ दैट इट्स क्वाइट शॉकिंग एंड इट विल टेक द ऑडियंस बाय सरप्राइज कम्प्लीटली। तो वो मेन वजह थी मेरी इस फिल्म के लिए हाँ कहने की। दूसरा, द डायरेक्टर, अ यंग लेडी विद अ वेरी वेरी ब्रांड न्यू डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड अप्रोच। वैसे कि वैसे ज़्यादातर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं अपने विजन में, बट क्योंकि ये शॉर्ट फिल्म है और शॉर्ट फिल्म के लिए एक अलग लेवल की क्लैरिटी चाहिए होती है ताकि आप उतने कम समय में वो स्टोरी नरेट कर सकें, तो जो मेरी डायरेक्टर हैं उन्होंने जिस तरह से वो कहानी मुझे पढ़ाई, समझाई, कैरेक्टर के बारे में समझाया, तो मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि आई विल बी इन वेरी गुड हैंड्स। सो यस, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस फिल्म एंड आई एम हियर शूटिंग फॉर माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म। थ्रिलर, हम ऐसा मानें कि थ्रिलर होगा या फिर इट्स अ लव स्टोरी? जी नहीं, ये ना तो थ्रिलर है ना लव स्टोरी है, इट्स अ ड्रामा। और ड्रामा में ड्रामा जो होता है वो ऐसा जॉनरा है जिसमें लोगों को लगता है यार ड्रामा है तो पता नहीं मज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये ड्रामा जॉनर में भी आपको जो एंड मिलेगा, जो स्टोरी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे एक बहुत तगड़ा सरप्राइज मिलेगा ऑडियंस को, तो इट बिकम्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा स्टोरी। नहीं, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव में बिलीव नहीं कर सकता हूँ, कैरेक्टर में विश्वास रखता हूँ, कैरेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जो कैरेक्टर जो मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, वो ना तो मैं उसे पॉजिटिव कह सकता हूँ ना नेगेटिव कह सकता हूँ। आई वुड से इट्स अ ग्रे कैरेक्टर, और जब मैं ग्रे कहता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पॉजिटिव में आप सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव में सिर्फ नेगेटिव हो सकते हैं, ग्रे में ऐसा है कि आप के दोनों साइड एक्सप्लोर हो जाते हैं, तो आपको ये मौका मिलता है कि आप दोनों साइड एक्सप्लोर कर सकें। तो आई थिंक ये जो मेरा कैरेक्टर है वो ग्रे है। मैं अपने उसी बात को एलैबोरेट करूँगा कि जो ग्रे कैरेक्टर होता है ना, वो एक ऐसा स्कोप आर्टिस्ट को दे देता है जिसमें आपको अपनी जो एक, जैसे हम लोग आम जिंदगी में होते हैं, कोई भी इंसान ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% पॉजिटिव नहीं होता है, कोई भी इंसान 100% नेगेटिव नहीं होता है, हम सब में एक ब्राइट साइड भी होती है और एक डार्क साइड भी होती है, और हम लोग इसीलिए कई बार जो है ग्रे एरिया में डील करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे ज़िंदगी में। तो मुझे इस कैरेक्टर में वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा है, जैसा कि बहुत सारे रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं आमतौर पे, और वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। और क्योंकि हम लोग ये शॉर्ट फिल्म बार में शूट कर रहे हैं, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका सेटिंग क्या है और ये इंसान यहाँ पे क्या करने आया होगा।